साउथ इंडियन बैंक में ऊपर के लेवल से हम लोग को एक रिजेक्शन देखने मिला आज के दिन, जो कि स्टॉक में 32 रुपीज़ के पास से रिजेक्शन दिखाया और ऑलमोस्ट हम लोग को क्लोजिंग मिला नेगेटिव 30 रुपीज़ 85 पैसे के पास। तब यहाँ से फ्यूचर में हम लोग को क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है, स्टॉक में गिरावट आएगा या फिर तेजी आएगा, बात करते हैं। नीचे की तरफ स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से सपोर्ट है जो कि 30 रुपीज़ का लेवल है, और दूसरा नीचे की तरफ सपोर्ट है जो कि अराउंड 25 रुपीज़ का लेवल है। तो किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा उनका स्टॉप लॉस 25 रुपीज़ का अराउंड होना चाहिए, और किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से साउथ इंडियन बैंक में इन्वेस्ट कर रखा उनका स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार स्टॉक में 25 रुपीज़ के नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो स्टॉक हम लोग को टोटली नेगेटिव होते हुए देख सकता है, क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक प्रीवियसली 5-6 महीने से एक रेंज में हम लोग को ट्रेड करते हुए दिखा रहा था। तो अगर एक बार 25 रुपये का ब्रेकआउट होता तो एक ब्रेकआउट का हम लोग को नीचे की तरफ फेलियर भी देखने मिलेगा, और थोड़ा नीचे की तरफ स्टॉक 20 से लेकर लगभग 15 रुपये तक का भी गिरावट दिखा सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 25 रुपये के पास, ऊपर की तरफ मोमेंटम हम लोग 32 रुपीज़ के ब्रेकआउट के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। अगर एक बार फ्यूचर में जब भी हम लोग को 32 रुपीज़ के ऊपर साउथ इंडियन बैंक में कोई क्लोजिंग देखने मिलेगा और ऊपर के लेवल पर एटलीस्ट 2-3 दिन स्टॉक सस्टेन करेगा 32 रुपीज़ के ऊपर, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक का टारगेट निकाल के आएगा जो कि अराउंड 40 से लेकर लगभग 50 रुपीज़ तक का होगा, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक हम लोग को 80 से 100 रुपीज़ तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है स्टॉक में तो 32 रुपये के ऊपर आप लोग बाई करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 50 रुपीज़ तक का शॉर्ट टर्म के हिसाब से। इस वीडियो में इतना, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।